संत कैलिस्टस। कैलिस्टस का जन्म इटली के रोम में हुआ। वे एक गुलाम के रूप में एक अमीर के घर में काम करते थे। बुद्धिमान और कुशल होने के कारण उस मालिक ने कैलिस्टस को अपने व्यक्तिगत बैंक का अधिकारी बनाया। जब उस मालिक अपना पैसा खो दिया तब उसने कैलिस्टस को दोषी करार देते हुए उन्हें सर्दिनिया द्वीप में निर्वासन में भेज दिया। जब निर्वासन से वापस कैलिस्टस लौटा तब उस समय के संत पापा ने उसे रोम के एक कब्रिस्तान के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। उस कब्रिस्तान जहां पे 50,000 से ज्यादा ईसाई लोग दफनाए गए थे उनका बहुत खूबसूरती से कैलिस्टस ने रख रखाव किया। संत कैलिस्टस इस कब्रिस्तान को इतने अच्छे से रखा कि बाद में इस कब्रिस्तान का नाम ही कैलिस्टस के नाम से जोड़ कर रखा गया। इस कब्रिस्तान में कई शहीदों के साथ साथ कई संत पापाओं के भी कब्र स्थित है। उस समय के ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान विश्वासियों को दफनाने मात्र एक जगह नहीं था बल्कि ख्रिस्त के विश्वास में मरे शहीदों के कब्रों के पास घुटने टेक कर उनसे मध्यस्थता मांगने का भी एक पवित्र जगह था। संत पापा ने कैलिस्टस को उपयाजक अभिषिक्त किया। 217 में वे कलिसिया के संत पापा के रूप में चुने गए। संत पापा कैलिस्टस के सामने सबसे बड़ा चुनौती यह था कि क्रिस्तीय विश्वास से जुदा हुए लोगों को किस तरह क्रिस्तीय विश्वास में वापस लाए। एक जाने माने ईश शास्त्र पंडित हिप्पोलिटस ने संत पापा कैलिस्टस के खिलाफ ये बात बताया कि वे पाषंडियों को कलिसिया में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। जवाब में संत पापा कैलिस्टस ने कहा, ऐसा कोई पाप मनुष्य ने नहीं किया है जिसका पाप मोचन पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा न मिल सकता हो। कैलिस्टस का देहांत 222 में हुआ। संत कैलिस्टस कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों के संरक्षक संत माने जाते हैं। अपने मृत परिजनों के लिए प्रेम का भावना बनाए रखना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनसे जुड़े यादों को संजोए रखना, ये कलिस से हम सीखते हैं। हम प्रार्थना करें, अपने मृत परिजनों को हम अपने प्रार्थना में हर दिन याद करते रहें, उनके पाप मोचन के लिए स्वर्ग में ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें। संत कैलिस्टस से हम प्रार्थना करते हैं कि अपने मृत परिजनों के लिए प्रार्थना करने, थोड़ा बहुत त्याग के कार्य करने और उनके पापों के लिए क्षमा याचना करने के लिए हम तैयार हो जाएं, ताकि हमारे मृत परिजन ईश्वर की करुणा प्राप्त करें और ईश्वर के दर्शन पा सकें।